पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुमसे विमुख होने के कारण तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनादि काल से हमने अनंत अनंत दुख पाए अनंत अनंत दुख पाए प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना दिव्य धारावाहिक
प्रवचन प्रारंभ करने की कृपा अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो पाया।
उस पर गंभीर विचार किया गया कि वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण जीव अनादि काल से अब तक अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद से वंचित है। तो आप लोगों को यह बताया गया कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। भगवान को जानकर ही प्रत्येक जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। तो उस भगवान को जानने का हम लोगों ने प्रयत्न भी किया, वेद शास्त्रों में चक्कर लगाया, तो वेद शास्त्रों ने कहा कि उस भगवान को कोई भी जीव जान नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान इंद्रिय मनबुद्धि से परे दिव्य है। भगवान दिव्य है, हमारी इंद्रिय मनबुद्धि प्राकृत है। भगवान प्रेरक है, हमारी इंद्रिय मनबुद्धि प्रेरिय है। भगवान प्रकाशक है, हमारी इंद्रिय मनबुद्धि प्रकाश है। भगवान धारक है, हमारी इंद्रिय मनबुद्धि धार्यमान है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। साथ ही वो भगवान अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। वो चलता भी है, नहीं भी चलता है। वो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी रहता है और वो सर्वव्यापक भी है। वो अज है, उसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन वो अनेक बार अवतार लेकर के आता रहता है जीवों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान उस भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। तो यदि हम लोग भगवान को नहीं जान सकते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अनंत कोटि कल्प तक हम अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आनंद हम लोग चाहते हैं, ये आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। भगवान को जानकर ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और वेद कहता है उस भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। और यदि हम लोग उस भगवान को जानेंगे नहीं, तो मानेंगे कैसे? नहीं मानेंगे तो विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, बिना प्रेम के वो भगवान नहीं मिलेंगे। जब भगवान नहीं मिलेंगे तो हमें आनंद भी नहीं मिलेगा। तो एक ओर तो वेद कहता है उस भगवान को तुरंत जानो, यह चे दशक बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। वेद कहता है यह मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए ऐ मनुष्यों तुम लोग समय बर्बाद ना करो, लापरवाही ना करो। अभी भगवान को नहीं जानेंगे, कल जानेंगे, कल नहीं जानेंगे, बुढ़ापे में जानेंगे, बुढ़ापे में नहीं जानेंगे, अगले जन्म में जान लेंगे। अगला जन्म हमें मानव जन्म मिल जाएगा, तो अगले जन्म में हम उस भगवान को जान लेंगे। अगला जन्म मानव जन्म मिलेगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? अरे कर्मों के अनुसार कोई भी जन्म मिल सकता है, कोई भी शरीर मिल सकता है अगले जन्म में। और फिर इस जन्म में तुमने कमाल ही क्या किया है कि तुमको अगला जन्म मानव जन्म मिलेगा? अजी कमाल तो हमने बहुत कुछ किया। हाँ जरा बताओ क्या कमाल किया है तुमने? अरे हमने इतना बिजनेस कर लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना हमारा बैंक बैलेंस है, हमने इतने स्कूल्स बनवा लिए, हॉस्पिटल्स बनवा लिए, ये सब कमाल किया है हमने। हाँ ये जिनको तुम कमाल समझ रहे हो ना, ये सब कुछ यहीं पर धरा रहेगा, इसी संसार में ही धरा रहेगा। और इसके कमाने में तुमने जो अनेक प्रकार की तिकड़मबाजी की थी, 420 की थी, धोखा छल कपट वगैरह किया था,
उसके लिए दंड अलग से भोगना होगा, क्योंकि भगवान का एक कानून है। भगवान कहते हैं भागवत में, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योगी मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। भागवत सातवें स्कंध के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक भागवत का। तो भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ मनुष्यों, जितने सामान से तुम्हारा शरीर चल रहा है, जितना आहार चाहिए इस शरीर को जीवित रखने के लिए, जितना कपड़ा चाहिए इस शरीर को ढकने के लिए, तो उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। अधिकम योगी मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। इससे यदि कोई अधिक अपना मान लेता है तो वो चोर है, उसको दंड मिलेगा। जो मान लेता है वो तो चोर है, और जो बटोर बटोर करके जमा करता है वो डकैत है, उसको और बड़ी सजा मिलेगी। क्योंकि ये संसार भगवान का है, तो फिर संसार का हर सामान भगवान का, तो यहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी भी सामान पर। तो संसार का सामान भगवान ने इस शरीर को चलाने के लिए बनाया है। इसलिए कभी ये ना सोचो कि हमने इतना बिजनेस कर लिया है, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, हमारा इतना बैंक बैलेंस है, इसलिए हमें ये मानव शरीर ये बार बार मिलेगा, हर जन्म में मिलेगा। क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी, इस संसार वाले भले ही तुम्हारी पूजा करें अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। भगवान के यहां केवल जीवात्मा को पुकारा जाता है, ना राजा को, ना रानी को, ना प्रेसिडेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को। भगवान के यहां जीवात्मा जाती है, और प्रत्येक जीवात्मा का हिसाब किताब होता है भगवान के यहां। पूरे संसार का ही क्यों ना राजा हो, जब वो मरेगा तो सब कुछ यहीं पर धरा रहेगा। तो भगवान के यहां केवल जीवात्मा को पुकारा जाता है, क्योंकि भगवान न्यायाधीश है, वो बराबर बराबर न्याय करता है, वो समदर्शी है। हाँ, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक गीता का, कि भगवान न्यायाधीश है, भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस संसार में भी देखिए, जब कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति किसी गरीब को दबाता है, उसको कष्ट देता है, उसको परेशान करता है, तो वो गरीब क्या कहता है, ठीक है सेठ जी, तुम खूब मनमाना कर लो, तुम्हारे पास खूब पैसा, हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा। यानी एक गरीब को भी विश्वास है कि भगवान न्याय करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक नौकरानी थी, तो वो रानी के यहां काम करती थी, रानी की सेवा करती थी। जितने भी सेवाएं होती थी रानी की, वो सब वो नौकरानी करती थी। रानी का बिस्तर बिछाना, रोज बिस्तर बिछाना उसका काम था। तो एक दिन बिस्तर बिछाया उसने, डनलप के गद्दे, उसके ऊपर रेशमी चादर, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां, इत्र, ये सब कुछ तैयार करके बिस्तर के बगल में खड़ी हो गई। रानी को कितना सुख मिलता होगा इस बिस्तर पर सोने में, जरा सो के देखे तो सही कैसे लगता। अरे रानी तो रोज रोज सोती है, तो उसको लालच हो गया उस बिस्तर पर सोने का। तो उसने क्या किया, सिटकनी लगाई, कुंडी लगाई, वो लगी नहीं, वो समझ के ही लग गए,
और जाकर बिल्कुल ढाड़ से रानी की तरह सो गई उस बिस्तर पर, रानी के बिस्तर पर। और रानी उस दिन जल्दी आ गई। जो रानी ने दरवाजा खोला, सोचिए रानी की पोस्ट का क्या हाल हुआ होगा उस समय, और नौकरानी का क्या हाल हुआ, वो खाट से उठने ही भूल गए। कहां जाएं, कहां भागे, क्या जवाब दें, क्या करें। अंत में बिचारी कांपती हुई खड़ी हो गई नौकरानी। तो रानी ने कहा, तेरी ये हिम्मत, मेरे बिस्तर पर सोने की तेरी इतनी हिम्मत। दूसरी नौकरानी को बुलाया रानी ने, ऑर्डर दिया, लगा इस पर 50 बेत। अब लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ इसने अपराध ही ऐसा किया है, 50 बेंत नहीं, इस पर 100 बेंत पड़ना चाहिए। अब एक बेंत पड़ा, नौकरानी जोर से चिल्लाई, दूसरा बेंत पड़ा और जोर से चिल्लाई, तीसरा बेंत पड़ा और जोर से चिल्लाई, 50वां बेंत पड़ा, अट्टहास करके हंसने लगे। तो रानी ने कहा, लगता है ये पागल हो गई, क्योंकि 50 बेंत खाने के बाद इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये अट्टहास करके हंस रही। तो रानी ने रोक दिया है, मत मारो। नौकरानी से पूछा कि भाई क्या बात है, 50 बेंत खाने के बाद तुमको तो बेहोश हो जाना चाहिए था और तो अट्टहास करके हंस रही है, कहीं पागल तो नहीं हुई है। तो नौकरानी ने कहा, नहीं नहीं मैं पागल नहीं हुई, तो फिर हंस क्यों रही है। तो नौकरानी कहती है, रानी साहिबा मैं तो केवल 1 मिनट के लिए आपके बिस्तर पर लेटी और मैंने 50 बेंत खाया, और आप दिन रात लेटती हो इस बिस्तर पर तो भगवान आपको कितना बेंत लगाएगा। जब 1 मिनट का दंड 50 बेंत है तो फिर पूरे जीवन ऐसे बिस्तर पर सोता हो तो उसको भगवान कितने बेंतों का दंड देगा और वो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा, ये सोच करके मुझे हंसी आ रही। तो रानी ने तुरंत नौकरानी के चरण पकड़ लिए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि भगवान न्यायाधीश है, वो बराबर बराबर न्याय करता है, वो समदर्शी है, इसलिए जैसा हम लोग कर्म करेंगे वैसा ही वो फल देगा ना हमको। इसलिए तुम ये कल्पना कर रहे हो कि तुमको ये मानव शरीर हर जन्म में मिलेगा, बार बार मिलेगा, ये कैसे हो सकता। हर जन्म में यह मानव शरीर नहीं मिलता, करोड़ों बार 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्कर लगाने के बाद, कभी कुत्ते की योनि में कभी बिल्ली की योनि में चक्कर लगाने के बाद, भगवान की कृपा से भगवान की दया से यह मानव शरीर मिलता है। जन्मांतर सहस्रेषु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम, इतना दुर्लभ है ये मानव शरीर, ये बार बार नहीं मिलता। कब हमको करी करुणा नर देही देत ईश, बिनु हेतु सनेही। भगवान की कृपा से भगवान की दया से ये मानव शरीर मिलता है। और देखिए, भगवान उसी को मानव शरीर देते हैं जो अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देता है, पूरे जीवन भगवान की भक्ति करता है, उसको अगले जन्म में मानव शरीर देते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मक्कारी करता है, जो लापरवाही करता है, उसको भगवान मानव शरीर नहीं देते, उसको अन्य योनियों में डाल देते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में डाल देते हैं। तो इस प्रकार एक और वेद कहता है
कि उस भगवान को तुरंत जानूं। अब जब जानने का हमने इतना लंबा चौड़ा प्रयत्न किया तो फिर वही वेद कहता है तुम्हारा स्क्रूड हिला है, किसको जानने के लिए चले हो? भगवान को। अरे भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, तो फिर हम क्या करें? भगवान को जाने बिना हमारी गाड़ी आगे चलेगी नहीं, और वेद कहता है उस भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, तो हम लोग तो बहुत बड़े संकट में पड़ गए, अब क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग वेद में ही चलते हैं कि वही वेद बताएगा हमको क्या करना चाहिए। तो वेद कहता है वेदाहमेतं पुरुषं महांत आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का आठवां मंत्र। वेद कहता है ऐ मनुष्यो निराश ना हो, वो जो तमसः परस्तात् माया से परे अंधकार से परे भगवान है ना, हाँ हाँ, तो उस भगवान को लोगों ने जाना है, जाना ही नहीं देखा भी, देखा ही नहीं प्राप्त भी किया है। लोगों ने उस भगवान को जाना है? अरे अभी तो आप कह रही थी उस भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, और तमाम प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। अरे हम लोग ही नहीं, ये जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा वगैरह भी भगवान को नहीं जान सकते। अरे हम लोग की हैसियत ही क्या है? फिर आप कैसे सिद्ध करेंगे कि लोगों ने उस भगवान को जाना? अरे उस भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, इसीलिए तो वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का आठवां मंत्र। उस भगवान को जान कर ही तुम लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हो, अन्य कोई भी मार्ग ही नहीं। तो इसका मतलब उस भगवान को जाना जा सकता है। तो ठीक है, आप जरा हमको ये बताइए कि उस भगवान को कौन जान सकता है, कौन देख सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है? तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग उसी वेद में चलते हैं, वही वेद हमको बताएगा कि उस भगवान को कौन जान सकता है, कौन देख सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है। तो वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुवं स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, वो भगवान आपको प्रवचन से नहीं मिल सकता। आप डेली प्रवचन सुना करिए, अनंत कोटि महापुरुष आकर के यहां पर डेली लेक्चर दिया करिए, तो भी आप उस भगवान को नहीं जान सकते। न मेधया, बड़े बड़े बुद्धि से, बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी कोई उस भगवान को नहीं जान सकता। न बहुनाश्रुतेन, अनंत कोटि कल्प तक वेद शास्त्र का श्रवण करिए, मनन करिए, कोई लाभ नहीं, आप उस भगवान को नहीं जान सकते। यदि वो साक्षात भगवान आपके सामने खड़ा हो जाए तब भी आप उसको नहीं जान सकते। आप लोग कहेंगे यदि भगवान हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा
तो हमको भगवत प्राप्ति हो गई। ना, अरे सब 0/100, भगवान तो आपके अंतःकरण में बैठा है, आपके रोम रोम में व्याप्त है भगवान, सर्वव्यापक भी है। इससे क्या आप लोगों को कोई लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो आप लोग कहेंगे, अजी यदि भगवान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा हम तो आनंद में विभोर हो जाएंगे। अरे नहीं, आप आनंद में विभोर नहीं हो सकते। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, हम लोग माया के अंदर में हैं। और भगवान दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है, उसका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। इसलिए माया के अंडर में रहने वाले प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि वाले उस भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान दिव्य है। जब हम लोग प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से उसको जानने का प्रयत्न करेंगे, वो हमको प्राकृत ही दिखाई पड़ेगा भगवान। तो फिर उस भगवान को कोई कैसे जान सकता है? हाँ, तो उसके लिए वेद कहता है, यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुवं स्वाम। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर आप लोग। वह भगवान यदि अपनी कृपा कर दे किसी जीव पर, कृपा द्वारा अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति प्रदान कर दे, तो वही भाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, चाहे वो सरस्वती बृहस्पति ही क्यों ना हो, भगवान की कृपा से ही हम लोग उस भगवान को जान सकते हैं। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अपनी साधना के बल पर उस भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। साधना भी हो प्लस भगवान की कृपा भी हो, ये दोनों कंपलसरी है। तो बिना भगवान की कृपा के आज तक उस भगवान को कोई नहीं जान पाया। हाँ, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो। केवल भगवान की कृपा से, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं, ये 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। केवल भगवान की कृपा से, यदि किसी जीव पर भगवान की कृपा हो जाए, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन्, तो तुरंत भगवान को जान ले। किसी जीव पर भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान की दया हो जाए, वरना चिरं विचिन्वन्। यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान हो, समस्त शास्त्रों को जानता हो, शास्त्रों का ज्ञान हो उसको, तो समस्त धर्म ग्रंथों को अपने दिमाग में रखकर अपने दिमाग को लाइब्रेरी बना ले, है ऐसा व्यक्ति भी अनंत कोटि कल्प तक अपने दिमाग का एक्सरसाइज करने पर भी उस भगवान को नहीं जान सकता। अरे भगवान का ज्ञान तो भगवान की कृपा से होता है। देखिए आप लोग गीता पढ़ते हैं,
रोज गीता का अध्ययन करते हैं आप लोग, सारी गीता में आप खूब मंथन करेंगे, तो अंत में आपके सामने एक रहस्य आएगा। जब गीता का एंड हुआ, अंत हुआ गीता का, तो अर्जुन को जब ज्ञान हो गया, अर्जुन का अज्ञान चला गया, तो जरा आप बताइए हमको, अर्जुन का ज्ञान कैसे गया, अर्जुन में ज्ञान कैसे आ गया? आप लोग कहेंगे कि वो जो 18 अध्याय का लेक्चर दिया था श्री कृष्ण ने, उसी के कारण तो अर्जुन का ज्ञान गया, अर्जुन में ज्ञान आ गया। अच्छा, लेकिन गीता में क्या लिखा है? गीता में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक गीता का। अर्जुन कहता है कि महाराज, मेरा अज्ञान चला गया, मुझ में ज्ञान आ गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बता दे अर्जुन, तेरा अज्ञान कैसे गया, तुझ में ज्ञान कैसे आ गया? कम से कम संसार वाले सुन तो ले, ताकि भविष्य में कोई धोखे में ना पड़े। तो अर्जुन कहता है, मेरा अज्ञान चला गया, मुझ में ज्ञान आ गया। लेकिन कैसे? तत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान गया, मुझ में ज्ञान आ गया। आपके लेक्चर सुनने से नहीं, 18 अध्याय सुनने से नहीं, आपकी कृपा से। सोई जानई जेनी देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्ही है जाई, राम कृपा बिनु सुन खबराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। तो इस प्रकार वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ उस भगवान को जानने के लिए केवल एक ही शर्त बता रहे हैं, वो है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से ही हम लोग उस भगवान को जान सकते हैं, और इस भगवान की कृपा को विश्व के समस्त धर्मों ने स्वीकार किया है, जितने भी धर्म है विश्व में। देखिए, सिख धर्म है, सिख धर्म क्या कहता है? जैसी नदरी करे तैसा हो, नदरी बिनो नानक नहीं कोई, नदरी बिनो कछु ना होए। ये नदरी क्या है? ये नदरी भगवान की कृपा है। एंड ऑल माय होप इज नोवेयर बट इन thy ग्रेट mercy, mercy, पीस grace फ्रॉम गॉड the फादर। बाइबल, क्रिश्चियन धर्म बाइबल में देखिए, ये जो ग्रेस शब्द आया है, ये भगवान की कृपा के लिए आया है। तो विश्व के समस्त धर्मों ने भी स्वीकार किया है, प्लस हमारे यहां जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी भगवान की कृपा को आधार माना है। उनमें से देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी हमारे यहां सबसे पहले दिए हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, वे निर्गुण निराकार के उपासक थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और अपने आप को ब्रह्म मानते थे, अहम ब्रह्मास्मि, कि जीव ही ब्रह्म है, यह उनका सिद्धांत था। लेकिन देखिए, उन्होंने भी भगवान की इस कृपा को स्वीकार किया है। धन्योहम हृदकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रह नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम त्वदनुग्रह। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं विमुक्त हो गया, मैं इस भवसागर से पार चला गया, मैं आनंद स्वरूप हो गया। कैसे? श्री कृष्ण के अनुग्रह से, श्री कृष्ण की कृपा से मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो देखिए, इस प्रकार हर ग्रंथ,
हर संत हर पंथ एक स्वर से कह रहे हैं कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। आप लोग कहेंगे यदि भगवान की कृपा के अलावा हमको कोई और रास्ता मिल जाए तो भगवान की कृपा से छुट्टी मिले, फिर हम भगवान की खुशामद क्यों करें उसकी कृपा के लिए? तो क्या ऐसा कोई मार्ग है, ऐसा कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय तो है, वो ये है कि ये जो माया हम लोगों के ऊपर हावी है, ये माया किसी भी प्रकार से हमारा पीछा छोड़ दे तो फिर भगवान की कृपा से छुट्टी मिले। एक माया भी तो ऐसी है जो भगवान से मिलने नहीं देते हम, तो माया हमारा पीछा छोड़ दे, हमको छोड़ दे, तो फिर भगवान की कृपा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये माया क्या वस्तु है, किसको माया कहते हैं? माया कोई ऐसी वैसी वस्तु तो नहीं है जो आपने हाथ से हटा दिया और चली गई। तो फिर ये माया क्या है? माया भगवान की एक शक्ति है, एक शक्ति का नाम है माया। मायांत प्रकृति विद्या मायिनंत महेश्वरम, श्वेता शतरोपनिषद चौथे अध्याय का 10वां मंत्र। सो दासी रघुवीर की, भगवान की शक्ति का नाम है माया। शक्ति है, कोई वस्तु नहीं है ये माया। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल प्रिय च, एक स्वाभाविक शक्ति है, काल्पनिक शक्ति नहीं। हमारे संसार में आजकल के कुछ सन्यासी लोग ये कहते भी है, घूमते फिरते हैं, अजी माया क्या है, माया नाम का कोई तत्व नहीं है, ये माया तो हमारे मन की कल्पना, मन का भ्रमर। जैसे अंधेरे में हम लोगों को रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, घोर अंधेरा है, रस्सी पड़ी हुई है, पैर लग गया हमारा, कहीं सांप तो नहीं, भ्रम हो जाता है ना हम लोग को। जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में उड़ते हुए गर्म बालों के कणों को देखकर हिरण को पानी का भ्रम हो जाता, वो उसी के पीछे भागता रहता। ऐसे ही कुछ सन्यासी लोग ये कहते हैं कि ये माया जो है ये भी मन का भ्रम है। तो चलिए आप माया को भ्रम ही मान लीजिए, लेकिन ये भ्रम भी बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगा। जासु कृपास भ्रम मिटे जाई, गिरी जासो कृपालु रघुराई, अतिशय प्रबल देव तो माया छूटे राम करहु जो दाया, मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जा पाया। तो ये भ्रम भी बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगा, केवल भगवान की कृपा से भ्रम जाएगा। तो इसलिए देखिए भगवान ने कहा है इस माया के लिए, नैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति दे। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता का। मम माया, भगवान कहते हैं ये मेरी माया है, इसलिए इस माया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अनंत कोटि कल्प तक यदि कोई योग करे, यज्ञ करे, तपश्चर्या कर डाले, इस माया को नहीं जीत सकता।
यदि किसी ने माया को जीत लिया तो समझ लीजिए उसने भगवान को जीत लिया, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। अब भगवान को अपने बल से कौन जीत सकता? जितने भी भक्तों ने जीता है भगवान को, वो भगवान की कृपा से जीता है। हाँ, इसलिए देखिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हजारों वर्ष तपश्चर्या करने के बाद अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने का दावा करते हैं, लेकिन भगवान की इस शक्ति माया से हार जाते हैं। फिर इसी माया के वशीभूत होकर माया के इशारे पर नाचते रहते हैं, फिर उनका पतन होता। इतनी बलवती है ये माया, इसको जीतना अपने बल से असंभव है। इसको केवल भगवान की कृपा से ही कोई जीत सकता है। यदि भगवान किसी जीव पर कृपा कर दे, उस जीव की माया निवृत्ति होगी, वरना असंभव। इसलिए ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, उनको भी अंत में जाकर सर्व साकार भगवान की कृपा को प्राप्त करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनकी माया निवृत्ति नहीं होती। ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। अब मुक्ति माने क्या? मायिक दुखों से छुटकारा पाकर, माया से छुटकारा पाकर सदा सदा के लिए भगवान में लीन हो जाना। अब भगवान में लीन होने के लिए माया से तो उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अब माया से उत्तीर्ण होने के लिए क्या उपाय? बस एक ही उपाय, भगवान की कृपा को प्राप्त करो। ये भगवान की शक्ति है। जब भगवान कृपा करेंगे, माया चली जाएगी। तो इसलिए अब ये रास्ता भी हमारा बंद हो गया कि माया भी केवल भगवान की कृपा से ही जाती है। तो फिर हम लोग वहीं पर पहुंच गए। जब भगवान हम पर कृपा करेंगे, तभी हम उस भगवान को जान सकते हैं। लेकिन जहां तक संसार की बात है, यहां पर आप लोग ये नहीं बोल सकते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे यहां वेद शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई जान नहीं सकता। लेकिन लोग इस बात का गलत प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, भगवान की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, भगवान की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झापड़ नहीं लगा सकता। यानी हम लोग जो कुछ भी करते हैं, उसको कराने वाला वो भगवान है। हम लोग नहीं, भगवान हम लोगों से कर्म कराता। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जी रामायण में लिखा है, ये रामायण की चौपाई भी बोलते हैं, गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण उमा नारयोषित की नाई समझ न जावत राम गुसाई। और गीता में भी लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषे अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक गीता का, कि वो प्रेरक है, सबकी बुद्धि को प्रेरित करता रहता है भगवान। अजी दुर्योधन ने कहा कि इसका मतलब हम लोग दुर्योधन के सिद्धांत के अनुयायी हैं। दुर्योधन ने कहा था, जारामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, क्या कहता है? मैं जानता हूं धर्म क्या है, मुझे पता है। मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, अधर्म का भी ज्ञान है मुझे।
धर्म से मेरा प्यार नहीं हो पाता, अधर्म से मुझे वैराग्य नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कोई बैठा है, भीतर बैठकर मुझे कोई घुमा रहा है। जैसे वो घुमाता है वैसे मैं करता हूं। मुझे पाप कर्म करने का शौक थोड़े ना, मेरे भीतर बैठ करके मुझको कोई घुमा रहा है। वो मुझसे कहता है पाप कर्म कर, इसीलिए तो मैं पाप कर्म करता हूं। आप लोग कहेंगे अजी हम तो एक बात और मानते हैं। वो क्या? जब हमसे कोई अच्छा कर्म होता है तब भी हम कहते हैं कि उसको भगवान ने कराया। नहीं जी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब अच्छा कर्म होता है तो हम लोग सोचते हैं हमने किया, जब गलत कर्म होता है तो हम लोग कहते हैं भगवान ने कराया। हाँ, जब अच्छा कर्म होता है हमारी कोई खूब तारीफ करता, अरे साहब आपने तो इतना अच्छा कर्म किया है, इतना इतना दान पुण्य किया है अमुक अमुक आश्रम के लिए, अमुक अमुक मंदिर के लिए, अमुक अमुक हॉस्पिटल के लिए, बड़ा ही पुण्य कर्म किया है आपने। तो वो क्या कहता है, अजी मैं कौन होता हूं करने वाला, ये तो सब भगवान ही कराता है। मुंह से ये बोल रहा है लेकिन भीतर से क्या सोच रहा है, हाँ हमी ने तो किया है इतना अच्छा कर्म, अरे तुम क्यों चुप हो, तुम भी हमारी तारीफ करो। हम लोग चाहते हैं सब हमारी तारीफ करें जब हम लोग कोई अच्छा कर्म करते हैं। अब जब कोई हमसे गलत कर्म होता है तो फिर हम लोग उस भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान ही तो है सब कुछ कराने वाला, हम लोग कौन होते हैं, वही सब कुछ कराता है हमसे। तो गलत कर्म होता है तो भगवान को दोष देते हैं, अच्छा कर्म होता है तो रो रो से हम लोग ये सोचते हैं हमने किया। तो ये जो धर्म ग्रंथों में लिखा है हमारे यहां कि भगवान प्रेरक है, सबकी बुद्धि को प्रेरित करता रहता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बाइबल में भी लिखा है। एक्चुअली ये वाक्य बाइबल का ही है, नॉट इवन अ लीफ इज स्टिर विदाउट द विल ऑफ गॉड। और हमारे यहां भी धर्म ग्रंथों में लिखा, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, जिसु हथी जोरी करी वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई। अरे भगवान जिसके हाथ जैसा कर्म कराता है वैसे ही तो कर्म करता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। हाँ ये धर्म ग्रंथों में बात लिखी है। आप लोग कहेंगे इसीलिए तो हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों की बात गलत तो नहीं हो सकती ना। ये सारे धर्म ग्रंथ हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। यदि हमारे यहां धर्म ग्रंथों में ये बात ना लिखी होती तो फिर हम कहते ही क्यों कि भगवान हमसे कर्म कराता है। धर्म ग्रंथों में बात लिखी है ना, इसलिए हम लोग भी कहते हैं। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथों में एक बात और भी तो लिखी है, उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। हाँ, हमारे यहां धर्म ग्रंथों में एक बात यह भी लिखी है, भगवान किसी से कोई कर्म वर्म नहीं कराता, मनुष्य स्वयं कर्म करता है। हाँ, भगवान किसी से किसी प्रकार का कर्म नहीं कराता, मनुष्य स्वयं कर्म करता है। इसीलिए अब आप लोग भगवान को दोष नहीं देंगे कि भगवान कर्म कराता है। तो यह विरोधाभास है। एक और धर्म ग्रंथों में यह लिखा है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं गिरता, वो भगवान प्रेरक है। और दूसरी ओर हमारे यहां धर्म ग्रंथों में यह बात लिखी है कि भगवान किसी से कोई भी कर्म नहीं कराता है, मनुष्य स्वयं कर्म करता है। तो देखिए यह विरोधाभास है।
तो इसका हम समाधान करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमत् सद्गुरु सरकार।